सो है वेलकम गाइस, क्या सब सभी लोग, आप सभी को स्वागत है वापस से पार्ट वन की इस दुनिया के अंदर। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। उसका नाम है फ्रॉस्टेलियन। फ्रॉस्टेलियन एक लेजेंडरी आइस टाइप पोकेमॉन है। उसको पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है मेरे लिए। तो उसको पकड़ने के लिए हमें चाहिए काफी सारे डार्क टाइप पोकेमॉन्स और फायर टाइप पोकेमॉन्स, जो मेरे पास काफी सारे हैं। और उसके साथ साथ हमें अपना एसल्ट राइफल को भी अनलॉक करना है ताकि उसको मैं काफी आसानी से मार पाऊं। अभी हमारा लेवल है 44, जैसे ही 45 हो जाएगा हम लोग ये एसल्ट राइफल को अनलॉक कर पाएंगे। और उसका अटैक पावर काफी अच्छा है भाई, 320। इसको तो काफी जल्दी हम लोग अनलॉक करने वाले हैं आज इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले ना गाइस, मैंने यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया है बेकॉन के साथ क्रावेलिन का, और इन लोगों ने तो भाई 3-3 अंडे दे चुके हैं। ये सब अंडे को अभी फिलहाल मैं इनक्यूबेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये नया बेस है और नए बेस में अभी तक मैंने एक इनक्यूबेशन लगाया नहीं है। तो अभी फिलहाल जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से एक इनक्यूबेशन बिल्ड करते हैं। इसमें से कौन सा डार्क पोकेमॉन निकलने वाला है? और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक टावर के आगे। इस टावर के अंदर है एक बॉस पोकेमॉन। हम लोग इस बॉस पोकेमॉन को भी हराना है। इस मैप के अंदर लगभग काफी सारे ऐसे टावर्स हैं। एक टावर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एंड तीसरा यहाँ पर। काफी सारे टावर्स है गाइस, ठीक है। अभी तक इन सारे टावर्स के जितने भी बॉसेस है, सारे बॉसेस के साथ मैंने फाइट नहीं लिया है। सो इन सारे बॉसेस के साथ भी फाइट लेना है और इनको भी हराना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ शैडो वीक को पकड़ने जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास शैडो वीक नहीं है अभी तक। मैं लास्ट टाइम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 में गया था लेकिन वहाँ पे मुझे शैडो वीक नहीं मिला था। तो अभी मैं दोबारा से जाने वाला हूँ उसी जगह में। फिलहाल तो मैं अपना इन्वेंटरी खाली कर देता हूँ। यार सारे बैग्स फुल होके रखा है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पर तो काफी सारे एग्स भी है। इन सारे एग्स को मैं दूसरे बेस में लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने ब्रीडिंग के लिए दूसरा ही बेस बनाया है और पास ही में है दूसरा बेस, ज्यादा दूर भी नहीं बनाया मैंने। और देखो एक बेस के साथ दूसरा बेस कनेक्टेड भी है यार, मैं काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। और इलेक्ट्रिक एक इंक्यूबेटर भी बनाना है, इससे शायद जल्दी जल्दी इनक्यूबेट हो पाएगा, आई थिंक सो। ओ भाई ये तो काफी जल्दी हो रहा है। ओके तीसरा बना दिया। यहाँ पर कितने लगने वाले? चौथा। अभी मेरे पास क्लोथ नहीं है, ठीक है ना, मुझे क्लोथ भी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाकी सारे बिल्ड कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं अपने एक्स को यहीं पे रख देता हूँ। यहाँ पर एक चेस्ट बनाता है एक्स रखने के लिए। ओके ओके, मेटल चेस्ट या फिर वुडन बॉक्स बनाते हैं। मेटल चेस्ट नहीं हो पाएगा, ये वाले बेस पे ज़्यादा मेटेरियल्स नहीं है मेरे पास। इसको ही बना दो कोई जल्दी जल्दी, या मैं ही बनाना, शायद मुझे ही बनाना पड़ेगा, कोई नहीं आ रहा है। देखो सारे देख रहा है, यार कोई तो मेरा हेल्प कर दो। चलो फाइनली कोई तो आया यहाँ पर मुझे हेल्प करने के लिए। इस बॉक्स के अंदर हम लोग सारे अंडे रखने वाले। ओके वैसे मुझे अभी काफ़ी सारे बॉक्स चाहिए। ये बॉक्स तो फुल हो जाएगा यार, एक ही देखो इतने सारे अंडे से फुल हो गया। अभी इसके आसपास और भी यार बड़ा सा कंटेनर रखना पड़ेगा आई थिंक। कंटेनर बड़ा रख देते हैं, लार्ज कंटेनर। इसके लिए हमें इनगोट चाहिए 100, जो दूसरी बेस में है। अभी कौन लाएगा यार इनगोट, यहीं पे रख देता हूँ। वुडन बॉक्स दूसरा बना लेते हैं यहीं पे, दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा भी बना दिया। चलो लगे हाथ। इसके अंदर दो अंडे दे देते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा एक कौन सा पोकेमॉन निकलता है। अभी 3 अंडे मेरे पास दूसरे बेस में, अभी काफ़ी सारे अंडे हैं। सारे अंडे को यहीं पर लाना पड़ेगा, काफ़ी काम भी बचा हुआ है। और देखते देखते रात भी हो चुका है भाई, कल सुबह जाएंगे गाइस। अभी सो जाता हूँ, कल सुबह हम लोग शैडो वीक को पकड़ने जाएंगे। हम लोग जाने वाले हैं कल सुबह शैडो वीक को पकड़ने के लिए। ओके सुबह हो चुका है एंड सारे पोकेमॉन जग चुके हैं। बाद में बेकोन तो सुबह सुबह उठ के आ गए यहाँ पे काम करने। जर्मुंडेड भी आ चुका है मेरे पास, जर्मुंडेड इग्निस भी है। जर्मुंडेड इग्निस का बॉस नहीं है वैसे तो, जर्मुंडेड इग्निस का बॉस को भी पकड़ना पड़ेगा। एट्रेस पर थोड़ा सा क्राफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग जाने वाले हैं। इसको क्राफ्ट करने लगा दिया मैंने, बाद में ले लूंगा इसको। सब बढ़िया काम चल रहा है अपना बेस पे। पहले शैडोविक को पकड़ के आते, शैडोविक मिलता है ये वाले जगह पे। लास्ट टाइम मैं गया था शैडोविक को पकड़ने बट उधर मिला नहीं था यार। मैं उसके बदले में एक एस्ट्रेगन को पकड़ के लाया था आई थिंक, याद नहीं आ रहा है। एस्ट्रेगन को ही पकड़ा था मैंने। शैडोविक को पकड़ना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है क्योंकि मेरे पास दो दो प्लाज्मा था। दिखा देता हूँ पार्टी में, देखो एक प्लाज्मा था 44, दो नहीं 44 लेवल। एक एस्ट्रेगन भी है, सुजाकू है, डायनोसोरस है। खतरनाक पोकेमॉन्स का टीम है मेरे पास। अब कोई भी पोकेमॉन मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। वैसे लेजेंडरी पोकेमॉन अगर आ जाएगा ना, वो फर्स्ट लैंग पर बस आ जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे फर्स्ट लैंड को पकड़ने के बाद। और एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जेट ड्रैगन, उसको भी पकड़ना है। जेट ड्रैगन या जेट ड्रैगन कुछ तो नेम है उसका आई गेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीसरा नंबर है। कौन सा पोकेमॉन निकलेगा देखते हैं भाई। यार इंसिनरम है यहाँ पे, ये नहीं चाहिए 40 लेवल का। या हम लोग इसको भी पकड़ सकते हैं वैसे, 10 पकड़ लेंगे तो हमारा एक मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ और से है यहाँ पे। ये वाला पोकेमॉन को मैंने अभी तक नहीं पकड़ा भाई, 42 लेवल का। इसको पकड़ लेगा, इसके साथ फाइट लगा था भाई फटाफट से। आई थिंक ये काफी पावरफुल पोकेमॉन हो सकता है। चल बेटा स्टार्ट करते अपना जलवा। अरे अरे लगा नहीं, लगा नहीं। दूसरा गन क्यों ले लिया मैंने, इसमें एमो ही नहीं है, 14 एमो है मेरे पास। अबे सुजा खुद मार ही देगा इसको एक ही बार में। भाई भाई भाई, नो 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 नो, नहीं मैं आ गया था गलती से। चलो बेटा सुजा को अभी मार देता, उसको फास्ट फेंक दे उसके ऊपर। 41%, 69%,
आजा पकड़ में आजा, वरना मरने का इरादा है क्या इसका? 42% नहीं आ रहा, देखो गाइस नहीं आ रहा है, लगता है मर के मानेगा। यार मार ही दिया, कमेंट देना था इसको, भूल ही गया कमेंट देगा। सुजाकुन ने तो मार ही दिया, इसको पकड़ना था यार। वो उधर और ही गया, और ही गया भाई। वो दूसरा पोकेमॉन यहाँ पे फाइट लेना स्टार्ट कर दिया, एक फैंगोल बैग इंसिनरम भाई साहब का भी खतरनाक फाइट चल रहा है। पकड़ते हैं, एक एक करके पकड़ता है भाई। वो किधर भाग रहा है बेटा, किधर भाग रहा है? ओ भाई साहब इसका पावर देखा, इधर उधर भाग रहा है भाई। ये अभी आ जाएगा ऐसा लग रहा है। वो दूसरा और से भी आ रहा है, काफी सही है। अरे 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 अरे, मेरे ऊपर तो ये लाइटनिंग फेंक रहा है, एसिड अटैक मार रहा है। भाई भाई बच कर रहना पड़ेगा, एसिड अटैक दे रहा है। अब तो पकड़ में आ जा, कितना सारा पल्स पर वेस्ट करूं इसके ऊपर। 56 नहीं आ रहा है। ओ मर गया, मैं मर गया। मेरे लिए तो अकेला सुजाकु ही काफी है भाई, तीन चार पोकेमॉन्स के लिए। देखो कितने पोकेमॉन को अकेला हैंडल कर रहा है सुजाकु। भाई सुजाकु का पावर काफी तगड़ा कर दिया मैंने वैसे। वो मरने वाला, सुजाकु मरने वाला भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ब्लास्मुत को छोड़ता है, मार ब्लास्मुत मार, दिखा दे अपना जलवा। पेंगोल नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों। इसके ऊपर मैं अल्ट्रा स्पेयर फेंक रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। और ये लो, ये तो देखते देखते ये भी मर गया। और से ये वाला पोकेमॉन नहीं था, इसको पकड़ना था। देखते दूसरा मिलता है क्या। दो दो और से मर गया। सुजाकु का हेल्थ काफी लो हो चुका है। उधर एक फैंगोल्व है, फैंगोल्व नहीं चाहिए, फैंगोल्व है मेरे पास। फैंगोल्व बाकी और ब्रीड कर लेंगे हम लोग, ब्रीड कर सकते हैं। पकड़ने से बेकार में टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा हम लोग ब्रीड कर लेंगे। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर और एक एस्ट्रागन है भाई, मेरे पास और एक एस्ट्रागन है वैसे तो। एस्ट्रागन के साथ एस्ट्रागन का फाइट स्टार्ट कर देगा, क्या बोलते हो? मजा आने वाला है देखने में। मेरे पास एक एस्ट्रागन है, इसका 44 लेवल है, इसका 45 लेवल है, ठीक है ना। देखते भाई, ये एक अल्फा पोकेमॉन है, ये अल्फा नहीं है, आई थिंक ये अल्फा वाला नहीं है। देखो एस्ट्रागन के साथ एस्ट्रागन का फाइट चलने वाला, अभी काफ़ी मज़ेदार। 273 का डैमेज दिया एक ही बार में। भाई 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 भाई, वो देखो एस्ट्रागन के साथ एस्ट्रागन का फाइट चल रहा है, वो भाई मज़ेदार फाइट। 274 का डैमेज, क्या बात है। अब ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, बच के रहना पड़ेगा भाई, बच के रहना पड़ेगा बेटा, मुझे मारेगा। ओ लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया यार। पास कर उसके जा रहा है, कहीं ये मर ना जाए यार। इसको पकड़ लेते हैं फटाफट से, ये भी मर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे आना ही बेकार हो जाएगा। मुझे लेजेंडरी स्पेयर ओपन करना पड़ेगा फटाफट। देखो यार नहीं आ रहा, अल्ट्रा स्पेयर काफ़ी सारा लाया था फिर नहीं आ रहा है। मेरे पास अल्ट्रा स्पेयर, हाइपर स्पेयर है, अल्ट्रा स्पेयर 17 है अभी। चलो एक एस्ट्रागन तो आ गया हाथ में। इधर ही भाई सैडोविक मिलता है भाई, लेकिन मिल नहीं रहा है। आप लोग बस बताना कमेंट में सैडोविक कहाँ पे मिलता है। मैं यहाँ पर आके काफ़ी बार घूम के जा चुका हूँ, इसी आइलैंड से जा चुका हूँ भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3। शायद से इसके लिए कुछ अलग से टाइमिंग होता है, रात के टाइम में सैडोविक मिलता है आई थिंक, पता नहीं। रात के टाइम में घूम के जाना पड़ेगा एक बार। और एस्ट्रागन का सैडल हम लोग 47 लेवल पर अनलॉक कर सकते हैं भाई, अपना लेवल अप क्यों करना है फटाफट। उसके लिए हमें काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रागन को पकड़ने के लिए हमें लेजेंडरी स्पेयर चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मल पाल स्पेयर में नहीं आने वाला है, तो इसको अनलॉक करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए 5। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ बॉस पोकेमॉन को पकड़ने जाऊँगा, जितने भी बॉस पोकेमॉन्स हैं उनके साथ फाइट लेके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट भी मिल जाएगा, फिर हम लोग लेजेंडरी स्पेयर को अनलॉक करेंगे। वैसे बगल में ही एक टावर है, ये PDIF टावर है भाई, इसके अंदर सैडोविक या फिर फैलेरिस मिलता है आई थिंक। इसको पकड़ने के लिए ना PDIF टावर बॉस को हराने के लिए और भी पावरफुल पोकेमॉन्स चाहिए। फिलहाल उसको हम हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था देख के गया था भाई, उसका हेल्थ लगभग 1,00,000-2,00,000 के करीब था, 1,80,000 था आई थिंक। हम लोग दूसरे बॉसेस के साथ फाइट ले सकते हैं। फ्री फायर अलायंस यहाँ पे तो 2,00,000 उसका भाई, वो तो काफ़ी पावरफुल बॉस है वो भी। PIDF टावर के हराने की कोशिश करते हैं, ओके। ये वाले बॉस को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं PIDF टावर में। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊपर, और नीचे से जाना पड़ेगा मुझे। ओए मैं मर ना जाऊँ वैसे तो, मेरा हेल्थ डाउन ना हो जाए। सबको खाना खिला देता है भाई। इसका लेवल कितना है? मेरे पास एमो खत्म हो चुका है, ये एमो चाहिए, राइफल एमो भी चाहिए। लास्ट टाइम मैं सल्फर ले जाना भूल गया था, सल्फर भी ले जाना पड़ेगा। पहले तो इसके साथ फाइट ले लेता है, देखते हैं कितने लेवल का बॉस मिलता है यहाँ पे। मुझे फेलिक्स के साथ फाइट नहीं लेना था। 1,46,000 इसका हेल्थ है भाई। निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो, ब्लास्मुत चला जा, एस्ट्रागन चला जा भाई। एस्ट्रागन के साथ उसका फाइट कैसा होता है देखता है। ओ भाई आ गया था ये एस्ट्रागन, काफ़ी अच्छा खासा अटैक दे सकते हैं इसके ऊपर। वो इसका हेल्थ कितना ज़्यादा है, और देखो गाइस कमी नहीं हो रहा है एस्ट्रागन के अटैक से इसका हेल्थ। इसका लेवल 45 का है भाई, काफ़ी सही है। एस्ट्रागन मार, क्या कर रहा है एस्ट्रागन को, तो सही से अटैक ही नहीं दे पा रहा है। मेरे पास एमो भी नहीं है, वरना तो मैं भी मारता इसको। ओ भाई ये वाला लग जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई साहब ये गन रिलोड होने में इतना टाइम लेता है ना, कसम से। 300 एमओ है बट रिलोड होने में काफ़ी टाइम ले लेता है। 500 का डैमेज दिया वैसे तो, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। फिर काफ़ी धीरे धीरे डैमेज दे रहा है एस्ट्रागन इसको। ब्लास्ट मोड कहाँ गया? मेरे पास दो ब्लास्ट मोड है वैसे तो। मार भाई फटाफट से मार। लावा
लाभा से भी मरने वाला था ब्लास्ट मूड। ओके मैंने अपने ब्लास्ट मूड के पास इलेक्ट्रिक का भी पावर है, लाइटनिंग का भी पावर है। मैंने लास्ट टाइम उसको लाइटनिंग वाला फ्रूट खिलाया था, उससे उसका स्किल्स थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो लाइटनिंग का अटैक दे रहा है ब्लास्ट मूड उसके ऊपर। देखा मेरे पास दूसरा ब्लास्ट मूड है, उसके पास लाइटनिंग का पावर नहीं है। ओ ओ ओ लाइटनिंग दे रहा है अपने ब्लास्ट मूड पे, ये लाइटनिंग दे रहा है। इतना हेल्थ दे रहा है इसका, 10 मिनट में इसका हेल्थ खत्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई। और मेरा गन रिलोड नहीं हुआ अभी तक, क्रॉसबो काफ़ी जल्दी जल्दी रिलोड लेता है। 135 का डैमेज दे रहा है वैसे तो क्रॉसबो, लगातार मारना पड़ेगा मुझे इसको। 129,000 लग रहा है भाई, 10 मिनट पे नहीं हो पाएगा इसको मारना। अपने ब्लास्ट मूड का हालत ख़राब हो चुका है। डायनासोमलक्स को छोड़ता है, डायनासोमलक्स के पास लाइटनिंग का पावर है, डैमेज ही नहीं दे पा रहे क्रॉसबो इसको तो। यार इससे फाइट लेना यार थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाइस, मुझे लग नहीं रहा है 10 मिनट में हो पाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट में बेस में चलते हैं। मेरे पास डेजी क्लाउड है, अच्छा मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता अभी तो, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, वरना अभी मैं बेस पे टेलीपोर्ट हो जाता। इसके साथ मुझे फाइट लेना ही पड़ेगा। देखो 5 मिनट हो चुका है और इसका हेल्थ काफ़ी है अभी तक भाई, अभी तक तो भाई 40,000 भी कम नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे मैक्स पोकेमॉन्स को अपने मैक्स करके लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये बॉस को हराना। या फिर मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स चाहिए इसको हराने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्थ हराना भाई बहुत टफ है। और रिलोड क्यों नहीं ले रहा है गन ऑटोमेटिक भाई, पत्थर में कहाँ छुप रहा है बेटा, फाइट लेना। अच्छा इसने मेरे सुजाकू को मार दिया क्या, मैं अपने सुजाकू को अंदर बुला लिया था गलती से। मेरे पास जो शील्ड है ना उसके अटैक से मेरे शील्ड को भी कुछ नहीं हो रहा भाई। देखो मेरा हेल्थ अभी तक देखो, ये मेरे हेल्थ को कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया है। एस्ट्रा के नहीं अच्छा खासा अटैक दे रहा है इसके ऊपर, बाकी सब पोकेमॉन्स तो बेकार ही लग रहा है भाई इसके आगे, इससे बच के रहना पड़ेगा। अरे भाई अभी मार देता अपना एस्ट्रागन, अभी उसकी लाइटनिंग के आगे आ जाता। ओ देखो वो एस्ट्रागन के हिल, देखो भाई 3 मिनट्स है अभी, क्या करे भाई अभी, इसको हराना इम्पॉसिबल नहीं है। एक काम करता हूँ रिस्पॉन हो जाता हूँ, क्योंकि इसको हराना पॉसिबल नहीं था 10 मिनट के अंदर। इसको हराने के लिए मुझे चाहिए लेजेंडरी पोकेमॉन्स, सबसे पहले तो मुझे अपने लेवल अप करना पड़ेगा। ओके सो मैंने अभी भी देखा है गाइस यहाँ पे ना, मैंने अभी ब्रॉन्चेर एक्वा को नहीं पकड़ा है, यहाँ पे गुमोस भी है एक और एक लुनारिस भी है, इन दोनों को पकड़ना है, उससे हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलने वाला है। क्योंकि जितने भी हम लोग अल्फा पल्स को पकड़ने वाले हैं ना, सारे अल्फा पल्स के साथ हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी मिलने वाले हो। पहले तो अभी हम लोग इन तीनों को पकड़ेंगे, उसके बाद लेजेंडरी स्पेयर को मैं अनलॉक कर पाऊंगा आई थिंक। अच्छा ये वाला पोकेमॉन है ये, इसको तो मैंने पकड़ा है भाई, कॉग्निटो, इसका नेम है कॉग्निटो। ओके इसको तो आराम से मार देंगे, इसके सामने सुजाको को छोड़ता हूँ। मेरे पास मेगा स्पेयर है ना, मेगा स्पेयर से ये सारे आ जाएगा। अब मर गया क्या बेटा, मेगा स्पेयर से आ जाए। ओ ओ एक मर गया, देखो ये तो अटैक ही नहीं दे पा रहा सुजाको को। 22% 30 नहीं आया, कितना ज़्यादा पास पर रोस्ट करना पड़ेगा इनके ऊपर। 33, 34, अरे कहाँ गायब हो गया, इधर ही कहीं गायब हो गया। देखो वो भाई गायब होगा, ये कॉग्निटो गायब होगा भाई। अरे काफ़ी सही पोकेमॉन होगा ऐसे तो, अभी गायब हो गया था। देखा मेरे पास कितने सारे पोकेमॉन्स आ चुके, 7 कॉग्निटो आ चुका है। इनसे मुझे पॉइंट्स मिला का, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिला का, देखते हैं एक बार। अरे एक भी पॉइंट नहीं मिला यार, मुझे पॉइंट चाहिए था। डायनासोर उसको पकड़ता है, प्रोनचेरी एक्वा को पकड़ता है, यहीं पे होगा पास में ही है। ठीक है चलो सही है, ट्रेनिंग मैनुअल मिल चुका है, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स चाहिए मुझे काफी सारे। और सुबह हो चुका है घूमते, प्रोनचेरी ओके इधर नहीं इधर है भाई, मैं गलत ही जगह जब पे जा रहा हूँ हर बार। सोशल माइंडशिप ओके, यहाँ से हम लोग कुछ खरीदारी कर सकते हैं आई थिंक, काफी सही है वैसे तो ये जगह। इसके अंदर कौन है देखता है, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहा भाई। अच्छा यहीं पे है प्रोनचेरी एक्वा, इतने बड़े गुफे के अंदर ये रहता है, तभी बोल रहा हूँ इसको मिला कैसे नहीं। ओके इसके साथ फाइट लेता भाई, किसके फाइट लेंगे इसके साथ, हम लोग डायनासोमलक्स को देता है ठीक है ना, ये काम चला देगा अपना। चलो चलो बेटा अपना जलवा दिखाओ, 44 लेवल का है एंड इसका लेवल कितना चेक कर लेते एक बार, इसका लेवल 30 है। ओके देखते ब्रॉन्चेर एक्वा वर्सेस डायनासोमलक्स, एक चुटकी में मार देगा मुझे ऐसा लग रहा है डायनासोमलक्स इसको। इसको काफी बड़ा पोकेमॉन है वैसे तो ब्रॉन्चेर एक्वा, उसके पास कुछ खास पावर्स नहीं है, इससे तो लावा निकलने वाला है। ओके अटैक देने वाला है तुमको अभी। अच्छा इसके पास भी लाइटनिंग का पावर है क्या, या फिर ये डायनासोमलक्स का पावर था। अच्छा ये डायनासोमलक्स का अटैक था, उसके पास एक्वा का पावर है, एक्वा बॉस फेंक रहा है देख रहे हो, वो सर से भी मार सकता है। इसको पकड़ते हैं वरना कहीं है, मरना जाए यार। इसके लिए अल्फा स्पेयर काफी है, 71% एक ही बॉल में आ जाएगा। अभी मार देता डायनासोमलक्स को ही मार देता, अभी मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स तो मिलना चाहिए। इन्वेंटरी भी फुल हो चुका है भाई, ये सब यूज़ कर लेता है। हाई ग्रेड मेटल ओके, एक मिला है भाई, इसको 10 बार पकड़ना पड़ेगा तब जाके मुझे 10 मिलेगा। एक काम करता हूँ सो के फिर दोबारा से इसी को पकड़ना आता हूँ क्या, गुफा के अंदर बहुत सही लगा मुझे, यहाँ पे बेस बना सकते तो काफ़ी सही रहता ना, लेकिन वाटर के ऊपर बेस काफ़ी सही है, अच्छा नहीं होगा। चलो भाई इसको अंदर बुला लेते, कहीं ये फाइट ना स्टार्ट कर दे। अभी हमें जाना है इन दोनों को पकड़ने,
पास में ही एक इधर ही मिलता है भाई, इधर ही से चलना पड़ेगा। टू लेवल का बॉस है इसके अंदर। ओके लुगाड़ी सही पे है, चलिए अपना काम करिए। सुधर को वो काफ़ी सी अटैक दे रहा है वैसे तो, ये इलेक्ट्रिक अटैक। ओ उसके पास फ्रीज का भी पावर है, तो एक टाइम मेरे पास मुझे अटैक करेगा। भाई सुधर को मार, क्या कर रही है, मार भी नहीं रहा है। सुधर को बीच बीच में पता नहीं हैंग हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो अटैक ही नहीं देता है, कभी कभी वो मेरे पास भी नहीं आता है, ऐसा होता है सुजाकू के साथ। ये अटैक से मैं डरने नहीं वाला हूँ वैसे तो। एक ही बॉल में आ जाएगा ये 55, नहीं आया भाई। एक बॉल्स खा रहा है, बॉल्स खा रहा है, अब तो आ जाएगा 99 100। इन्वेंटरी ना फुल हो जाए भाई, लास्ट टाइम इन्वेंटरी फुल हो गया था। अरे मुझे पॉइंट्स मिला नहीं यार, ये क्या लोचा है, मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स चाहिए। किसी से मिलता है किसी से नहीं मिलता है भाई टेक्नोलॉजी पॉइंट्स, कौन से बॉसेस को मारने से मिलता है वो मुझे तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। अब देखो गाइस मैं मेमोरीज के साथ फाइट ले रहा हूँ, ये सुजा को हैंग हो चुका है भाई, ये अटैक नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं क्या होगा इसको। वो देखो दूसरे पोकेमॉन्स को देख रहा है, वो गजब ही है भाई। सुजाकू अटैक, अब उसको दोबारा से छोरा देखते हैं क्या करता है, कभी भी अटैक नहीं दे रहा है। अब जाके अटैक दिया भाई, इतनी देर बाद हम लोग मेमोरिस्ट को भी पकड़ेंगे, बॉस पोकेमॉन को पकड़ेंगे, तो जितने भी अल्फा पोकेमॉन्स है ना उनको पकड़ेंगे, तो उनसे हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ फिलहाल। अच्छा आजा 34, अपना क्रॉसबो का एमो वेस्ट करता है भाई, मेरे पास काफ़ी सारा क्रॉसबो का एमो हो चुका है, अब तो ये आ जाएगा। फाइनली मुझे मिला आई थिंक टेक्नोलॉजी पॉइंट्स, दिखता है यार फिर भी एक ही है, क्या बात है, मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स फिर मैं कहाँ से मिलेगा। मुझे ये वाले सेंचुरी में भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है आई थिंक ये थोड़ा पास में होगा, यहाँ पे चलता है। हमें सेंचुरी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिलने वाला है हमें मैनुअल मिलने वाला है, एंड उसी मैनुअल को ओपन करेंगे, वहीं से हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट से मिलने वाला है। ओ, 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 बेस में रेड आ चुका है गाइस, बेस में भी रेड आ चुका है। कौन सी बेस में रेड आ रहा है, इधर से आ रहा है भाई अटैक, मतलब ये वाले बेस पे अटैक आने वाला है। अभी हमें बिल्ड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फर्नेस, उसी से हम लोग पाल मेटल इनगुट बना सकते हैं, ठीक है इधर ही बना लेते इलेक्ट्रिक फोनेंस को। चलो फटाफट से बिल्ड करो गाइस, अभी जाके बिल्ड करेगा फटाफट। घंटी बजा देता भाई, अटैक करने आ रहा है भाई सारे पोकेमॉन्स, इधर से तो आ रहा है वो, देखो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स आ रहे हैं भाई अटैक करने। ओ भाई दूसरी तो साइड से अटैक कर रहा है अभी, ये लोग देखो गाइस भाई इधर से लोग बेस तोड़ रहा है भाई, बेस तोड़ना इतना आसान है, मैंने इसीलिए स्टील का मेज बनाया भाई यहाँ पे। रुक जा बेटा किधर भाग रहा है, फाइट तो लेके जा, इतना जल्दी भागना है क्या। ऐसी की तैसी लास्ट पल सोल मिल रहा है इनसे, ओके सर्किट बोर्ड भी मिला इनसे, एंशिएंट टेक्नोलॉजी पार्ट्स नहीं मिलने वाला है क्या, ट्रेनिंग मैनुअल। अच्छा ये वाला दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लोग, ये पीछे का दरवाजा है भाई। रात हो चुका है चलते सोने, रात के टाइम में कोई पोकेमॉन काम भी नहीं कर रहा है। वैसे मैं अपना सोने की जगह यहीं पे बनाया हूँ भाई, या मैं सोच रहा हूँ अपना सोने की जगह चेंज करूँ, कहीं से अच्छी जगह पे बनाऊँ, आप लोग बताना कहाँ पे बनाऊँ। यहाँ पे जर्मुटा डिग्निस बना रहा है, वो क्या बना रहा है, अच्छा ये तो रिफाइंड इनपुट बना रहा है, चारकोल भी बना रहा है भाई। पाल मेटल गुड बनने में वैसे काफ़ी टाइम लग रहा है गाइस, देखो काफ़ी धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पे एक बनाया है इलेक्ट्रिक फर्नेस और एक बना देते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी होने वाला है। इसमें पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर बिल्ड करना पड़ेगा उसके लिए। कितना पॉलीमर बना ले एक बार में, 31 बना देते हैं। मेरे पास हाई क्वालिटी पाल वायल भी है, सिर्फ दो ही हुआ है लेजेंडरी स्पीयर, हमें और भी चाहिए। वो देखो बेकॉन क्या कर रहा है पता नहीं, बेकॉन वहीं पर खड़ा है, एक बेकॉन तो यहाँ पर वो कर रहा है इलेक्ट्रिक से ही है वो, दूसरा बगैर कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा अभी ट्रांसपोर्टिंग में आया भाई, इतना भारी चीज़ मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। लेके जा, वो देखो कौन लेके जा रहा है, छोटा सा पोकेमॉन लेके जा रहा है भाई, लैम्बॉल लेके जा रहा है वो सारे। कोल लेके आना पड़ेगा भाई फटाफट से जाके, कोल हमें मिलने वाला है ये वाले बेस पे। कोल्स की कमी नहीं है भाई मेरे पास, तो कंप्लीट कर सकते हैं। 1000 कोल्स ले लिया भाई एक बार में, चलो 1000 कोल्स हो चुका है। ये वाला बेस काफ़ी सही है भाई, इधर ऑटोमेटिक हर एक चीज़ काम चल रहा है भाई, मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये वाले बेस को भी थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ये सारे पोकेमॉन्स खुले में रहता है, इनके लिए अच्छे से घर वगैरह बिल्ड करूँगा। आप लोग बताना इनके लिए कैसा घर बिल्ड करूँ, एकदम बड़ा सा एकदम इनको रखने के लिए भाई। चलो सही चीज़ है वो, मेरे पास सिंगल शॉट राइफल का एमो नहीं है, सही ये भी बनाता है यार, काफ़ी कुछ चीज़ नहीं है मेरे पास। फाइनली हमारा एमो भी कम्प्लीट हो चुका है, अभी देखो कैसे मेरे पास कितने एमो है, मेरे पास अभी एमो आ चुके 86, और भी एमो चाहिए वैसे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यार फटाफट से ना और भी पाल मेटल इनपुट बनाने दे देते हैं, 126 सही है। तो हमारा पालडम फ्रेगमेंट भी बन रहा है वहाँ पे, और भूसी क्या कर रहा है वहाँ पे, देखो भूसी क्या कर रहा है अकेला अकेला, ये हंगरी यहाँ नीचे क्या कर रही है भाई, ये नीचे क्या कर रहा है, अच्छा नीचे गिर गया होगा आई थिंक ये घर पीछे, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अरे बेटा खाना खा ले, बचा लिया तुझे। फाइनली देखते कैसे हमारे यहाँ पर 3 अंडा रेडी हो चुका है, यहाँ से क्या निकलता है, लार्ज डार्क एक मिला है ठीक है ना, इससे हमें मिलने वाला है
एस्ट्रेगन 25 एक एक का 25 लेवल है। ओके यहाँ पे क्या मिला देखे थे, हमें चाहिए था हिल जीपर चाहिए था, फीमेल वाला चाहिए था, फीमेल वाला मिला है क्या दिखता है। ब्लडी बडी ब्लड बडी नहीं यार, हमें पावर ऑफ गीगा ये सब चाहिए, अच्छे स्टैट्स वाला पोकेमॉन चाहिए। यहाँ पे तो केक्स भी खत्म हो चुका है, केक्स बनाने देना पड़ेगा फटाफट। देखो 19 केक्स मैंने ले लिया, 8 केक ले लिया मैंने फिलहाल, 16 केक और बनाने दे दिया यहाँ पे। मुझे और एक फायर टाइप पोकेमॉन चाहिए अपने बेस में, और एक फायर टाइप पोकेमॉन को छोड़ते हैं, इसको फैलेडिस को छोड़ते हैं भाई, फैलेडिस अच्छा खासा हो सकता है। ओके दो दो बेकॉन है ना, एक फैलेडिस को छोड़ दिया, देखते हैं अब क्या करता है। एक फैलेडिस कहाँ पे गया यार बेटा, नीचे जा नीचे, रैग्नारोक नीचे ही जा रहा है क्या। ओके रैग्नारोक नीचे आ चुका है और फैलेडिस यहाँ पे आ चुका है, काफी सही है। पाल मेटल लेजेंड बनने में काफी टाइम लग रहा है, मेरे पास लेजेंडरी स्पेयर कितने हैं अभी, 2 ही है ठीक है ना, और भी चाहिए लेजेंडरी स्पेयर एटलीस्ट भाई 10-15 लेके चलना पड़ेगा। अभी 5 दिया है, मैं भी इसको लेता हूं भाई अपने साथ, फटाफट से काम करने वाला है। एनिविस को लेते हैं ब्लैस्मिथ की जगह, चल एनिविस तू बनाइए। तो किधर चला जा रहा है यार ये, कहाँ पे चला, क्राफ्टिंग करने चला गया। अच्छा उधर वो पाल स्पेयर कर रहा है क्राफ्ट, ठीक है काफ़ी तेज बना रहा है वैसे तो, ये भी बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ओवर फुल डिप्रेस्ड हो चुका है, पता नहीं क्यों ये सब मेरे पोकेमॉन्स डिप्रेस्ड हो चुका है भाई। हार्ड वर्क रिलैक्स्ड वर्क देता है ठीक है ना, इसी तरह स्लो काम होने वाला है, हार्ड वर्क देता है भाई, सुपर हार्ड वर्क, सुपर हार्ड वर्क मोड में कर दे सभी को ठीक है। अब सब लोग फटाफट काम करने वाला है। एनुबिस को यहाँ पे लगाता है, अरे एनुबिस कधर जा रहा है भाई, ये बनाना, ओए भाई ये कहाँ चला जा रहा है। देखो वो माइनिंग करने चला जा रहा है, पता नहीं क्यों उसको भी माइनिंग करना है। ओके मेरे पास केक्स अभी 9 केक्स है ठीक है, केक्स को वहाँ पे रखते हैं, वरना यहाँ से अंडा नहीं निकलने वाला है वैसे तो। यहाँ पे 9 केक्स 8 केक्स रख दिया चलो। ओके और एक अंडा दे दिया इन लोगों ने, काफ़ी सही है। वैसे हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक एक इनक्यूबेटर बना सकते हैं, उसके लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए। ये वाला इलेक्ट्रिक एक इनक्यूबेटर कौन सा वाला है, ये वाला बना सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए 20 इलेक्ट्रिक ऑर्गन और 50 इनगोट। ये वाले बेस चलाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन और इनगोट चाहिए, यहाँ पे तो इनगोट्स नहीं है, 50 इनगोट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर ही होगा 45 इनगोट्स यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा इनगोट मैंने पहले से उस बेस पे रखा है, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑर्गन यहाँ पे हो सकता है, मेरे पास 14 है यहाँ पे, 14 और 6 चाहिए, नीचे होगा यहाँ पे हो सकते हैं, नीचे यहाँ पे 2 है, 16 हो गया यार। इलेक्ट्रिक ऑर्गन बहुत कम हो चुका है भाई, और भी चाहिए, बाद में काम में आने वाला है इलेक्ट्रिक ऑर्गन हमारे लिए तो। और ये सो क्यों गया, इसको जगाओ कैसे, मैं ये जगा नहीं सकता आई थिंक इसको मैं। ओके इधर ही बिल्ड करेंगे पावर जनरेटर, चलो इसके बाद हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एक इनक्यूबेटर, ये वाला रिफाइंड इनपुट 50, सर्किट बोर्ड 15 चाहिए। अच्छा एंसेंट सिविलाइजेशन कोर नहीं है मेरे पास अभी तक तो, ये पता नहीं कहाँ पर मिलता है, देखना पड़ेगा एंसेंट सिविलाइजेशन कोर कहाँ पर मिलता है। ओके सो गाइस हमें एंसेंट सिविलाइजेशन कोर मिलने वाला है, बेलनोर से मिलने वाला है, उसके लिए हमें अपने बेलनोर बॉस को बुलाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें देखो बेलनोर को बुलाने के लिए ये समन करना पड़ेगा बेलनोर को हम लोगों को, और बेलनोर समन हम लोग ये वाले बेस पे नहीं करेंगे। बेलनोर को समन करने के लिए हमें किसी दूसरे बेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बेलनोर आने वाला है ना तो वो पूरे बेस को फुल तोड़फोड़ कर देगा, और ये बेस को मैंने भाई काफ़ी मेहनत से सजा के रखा है। वो भाई नीचे से अटैक दे रहा है, एस्ट्रेगन छोड़ते हैं यहाँ पे, नीचे से अटैक देने आ रहे हैं लोग, ये भी छोड़ना पड़ेगा एस्ट्रेगन को। नो 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 एस्ट्रेगन को मार देगा, मार एस्ट्रेगन मार, यार एस्ट्रेगन मार नहीं पा रहे का, जोको देता है जोको आपको सुझा, ये वाला जगह फुल बंद करना पड़ेगा गाइस। देखो सारे इधर से ही अटैक देने आ रहे हैं, तो इनको मैं पकड़ भी सकता हूँ वैसे तो, एक काम करता हूँ इनको पकड़ने की ट्राई करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स मार रहा है भाई, भाग रहे सारे भाग रहे, अभी काफ़ी सारे बेकॉन आए थे, इसको मैं पकड़ लूँगा आई थिंक। नहीं 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 इसको तो पकड़ना पड़ेगा, एक को तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। लेजेंडरी स्टार फेंकते इसके ऊपर, आई थिंक लेजेंडरी स्टार से आ जाएगा। चलो एक बेकॉन तो पकड़ लिया, सबसे पहले तो ये वाला जगह मैं बैन करता हूँ भाई, सब यहाँ से आके अटैक देते हैं। वो देखो ऊपर अभी भी एक है, गेल क्लॉ है ये, इसको मैं मार दूंगा, रुको भाई मरते मरते अटैक देगा यार। अच्छा अभी नहीं बना पाऊंगा, अटैक देने के इतना जगह है, यहाँ से अटैक आ सकते हैं भाई, यहाँ से दे सकते हैं ये लोग अटैक, पता नहीं क्यों इसी कोने में आके अटैक देता है हर एक बार। अभी तो सोने जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये सारे पोकेमॉन मर चुके हैं, इनको भी जगाना पड़ेगा भाई। देखो वम्प स्टार्विंग भाई, ये लोग पता नहीं खाना वाना क्यों नहीं खा रहे, यहाँ पर कितना दिया था मैंने खाना, देखो पैनकेक नहीं खा रहे ये लोग, पता नहीं इनके लिए दूसरा कुछ खाना लाना पड़ेगा आई थिंक सो। फटाफट से हम लोग सो के आते हैं, उसके बाद देखते हैं इनको। ओके सो गुड मॉर्निंग, हो चुका है एक प्यारा सा मॉर्निंग, और पता नहीं मेरे सारे पोकेमॉन्स डिप्रेस्ड क्यों हो रहा है, यहाँ पर एक पोकेमॉन तो डिप्रेस्ड दिख रहा है, और इसने अभी तक नहीं बनाया इसको यार, इसको बना कब बनाएगा ये। एनुबिस को लगाते हैं यहाँ पे भाई, एनुबिस बेटा काम पे लग जा बेटा, किधर भाग रहा है ये वाला, यहाँ पे काम करना भाई, ये अधूरा काम पड़ा हुआ है, ये काम करना, ये ले भाई
उसको माइनिंग कर रहे हैं, जा भाई तू माइनिंग कर। इन ये लोग खाना नहीं खा रहे यार, इनके लिए क्या खाना दूं मैं वही सोच रहा हूँ। कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जिससे वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर दे। अब लोग बताओ कैसे, अब लोगों को पता है क्या ये क्या खाते हैं? देखो मेजर इंजरी सबको लगा हुआ है यहाँ पर। बूसी तो मर गया है, कुछ कुछ पोकेमॉन मर चुका है, बूसी बेकन ये सब मर चुका है, इनको रिवाइव करना पड़ेगा। फैंगोल भी मर गया भाई, पावरफुल पोकेमॉन्स को छोड़ते हैं यहाँ पर उनको, ताकि यहाँ पे जब अगली बार जब अटैक दिन आएगा ना तो ये लोग आराम से भाई मैनेज कर लेगा। मैं हम लोग स्क्रिस्ट रेप्टाइल हूँ, फाइट टाइप पोकेमॉन देता हूँ, वैनॉम को देता भाई, फाइट टाइप पोकेमॉन चाहिए। अच्छा ये 45 लेवल का बूसी था भाई, नाइटिंग को छोड़ते हैं, देखते हैं चारों के चारों कंप्लीट हो चुका है, इसमें से क्या निकलता है। हेल ज़ेफर निकला, ओके एस्ट्रागन दिया था ना, देखिए हेल ज़ेफर हो चुका है, आई थिंक यहाँ से निकलने वाला है। क्या हेल ज़ेफर निकल रहा है भाई सारे से? यार मुझे एस्ट्रागन चाहिए। यहाँ पे किसका किसका चल रहा है? बेकॉन का चल रहा है क्या? अच्छा उधर चल रहा है, ओके यहाँ पे चल रहा है, वही तो सोचूं भाई। ये देखो भाई एस्ट्रागन का एक देखो भाई, ह्यूज ह्यूज एक भाई, ओके तभी सोचूं यहाँ से एस्ट्रागन क्यों नहीं निकल रहा है। और इनका इनके पास केक्स भी ख़त्म हो गए। रुको रुको रुको, मैं गलत जगह में केक दे दिया था। हेल ज़ेफर नहीं चाहिए हमें, और हमें एस्ट्रागन चाहिए फिलहाल, तो इनका पॉज कराता है भाई। केक है सबसे पहले तो केक्स यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ से एस्ट्रागन निकलने वाला है फटाफट। ओके एक केक दे दिया है यहाँ पर, सॉरी एक अंडा दे दिया। चलो मेरे पास काफ़ी सारे एक सो चुके हैं एस्ट्रागन के। अरे यार जल्दी जल्दी फटाफट देखो, 50 लेवल का चार अंडा है, ठीक है ना, 50 मिनट्स लेने वाला है एक अंडा इनक्यूबेट होने में, क्या बात है। चलो चार अंडा दे दिए यहाँ पे कैसे, लेकिन मैं टेंशन में आ गया भाई, ये वाम्पू खाना क्यों नहीं खा रहा है भाई? ये देख इधर ही बैठा हुआ है, कहीं खाना वाना खा ब्रो, उसको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। रुको गाइस, और ये क्या खाता है? हॉट मिल्क ही खाता है, दूसरा कुछ नहीं खाएगा क्या? खा ले बेटा हॉट मिल्क, खा ले भाई हॉट मिल्क खा ले। पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, और सारे एक ही जगह में क्या कर रहा है? सबको खाना खिलाना है क्या? सबको एक साथ में खाना नहीं खिला सकता भाई। अच्छा मैंने दूसरे को हॉट मिल्क खिला दिया भाई, इसको हॉट मिल्क खिलाना है। अरे मेमोरी स्टिक सब एक ही जगह में आ रहे भाई, ये लोग दूसरी जगह में नहीं जा सकते, इनको हटाना पड़ेगा भाई। मूसांडा लस्क को हटाता है, मेमोरी स्टिक डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग, मजे ले रहे हैं मेरा मजे ले रहा है। चलो हटा दिया। सूजा को यहाँ पे क्या कर रहा है? बेटा तुझे बाद में खाना खिलाऊंगा, जिसको ज्यादा भूख लगा उसको पहले खाना खिलाएंगे, इसको पहले खाना खिलाना पड़ेगा। सभी एक जगह में घूम रहा है, ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इसको पहले खिलाते हैं यार, इस बेचारे को पहले खिलाते हैं। हॉट मिल्क है मेरे पास, हॉट मिल्क खा ले। चलो बेटा हॉट मिल्क खा लिया, अच्छा और भी खाएगा, इसको बाद में खिलाता हूँ, इसको पहले खिलाता हूँ। ये बेचारा तो मर ही जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अल्टीमेटली आया भाई, खा ले बेटा एक हॉट मिल्क खा ले, थोड़ा सा एनर्जी आया इसके अंदर। ओके इनके लिए हमें हॉट मिल्क लाना पड़ेगा आई थिंक। ओके और एक फीड बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, सारे एक ही जगह से खाना खा रहे हैं ना, तो सबको खाना खाने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे और एक फीड बॉक्स बनाते हैं। ओके ये काफ़ी दूर है वैसे, कहाँ पे गया फीड बॉक्स? ओके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो हर एक जगह में फीड बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं पर किसी को खाना खाने के लिए इधर उधर भागना पड़े, सब लोग एक साथ में खाना खा सकते हैं। चलो तीन फीड बॉक्स बना दिया भाई, अब तो कोई खा सकता। यहाँ पे पैनकेक थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं थोड़ा सा, 29 यहाँ से खा सकते हैं, ठीक है। अभी सब खाना खा रहे हैं, इनको भी खाना खिला देता भाई ये लोग, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से वो कर रहा है भाई, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कर रहा है ना। ओके फाइनली देखते हैं अभी हम लोग लीजेंडरी स्तर बना लेंगे, हमारा ये वाले बेस पे कितना दूर काम हुआ है। उली पॉप सिम्स टू बी स्ट्रगलिंग विद दर वर्क, भाई हर एक क्यों स्ट्रगल कर रहा है? प्लैप प्लैटियम फ्रेगमेंट नहीं है मेरे पास, क्या कर रहा है भाई? कौन है यहाँ पे जो प्लैटियम फ्रेगमेंट नहीं बना रहा है? 279 है भाई, कोई तो लेके जाता है इसको। इस बार मैक्सिमम 6 क्यों बन रहा है? पाल मेटल इनगोट नहीं है यार, हर एक चीज़ का कमी हो रहा है धीरे धीरे। इस बार तो मैं पाल मेटल इनगोट 1000 से ऊपर बनाऊंगा भाई, 29 ऑलरेडी बन के पड़ा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे छोड़ते हैं, इधर से अटैक आ रहा है भाई ब्रॉन्ज चेरी, ओ भाई काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन से आ रहा है अटैक करने, नीचे से अटैक करने वाला है क्या? इधर ट्रैप लगा दूंगा नेक्स्ट टाइम में, जब भी कोई आने वाला है ना ट्रैप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे किसको छोड़ूं? डेनिसम लोग को छोड़ते हैं। चलो बेटा एक ही अटैक में गया एक लोग, चलो भाई बेटा दीवार तोड़ेगा तेरी, इतनी मजा। ट्रेनिंग मैनुअल मिल रहा है इन लोगों से, वो देखो ये लोग इधर ही अटैक गया भाई, भाग रहे डर के मारे भाग रहे। चलो जाने दो, इधर तो मैं ट्रैप लगा दूंगा नेक्स्ट टाइम, जो भी आएगा ना ट्रैप से बनने वाला है, वो कभी बना सकता हूँ ट्रैप्स वैसे तो। यहाँ पे ट्रैप्स बना देते हैं, नहीं चाहिए मुझे, कौन सा ट्रैप्स बनाऊँ? ट्रैप्स कहाँ पे गया? ये वाला ट्रैप्स बनाते हैं। ओके पूरी जगह मैं ट्रैप लगा दूंगा। ओके सो मैंने काफ़ी सारे ट्रैप लगा दिया यहाँ पे, जो भी एनिमीज आने वाला है पहले तो यहाँ पे मरने वाला है भाई। ये हैंगिंग ट्रैप भी लगा देते हैं, इधर से कोई नहीं आ सकता भाई, तो जो भी आएगा मरेगा भाई यहाँ पे। ये वाला ट्रैप कैसा होगा? आई थिंक इसमें कोई पैर लगने वाला है, उसके बाद ये पैर से उसका पत्थर से सर फूटने वाला है, ऐसा वाला ट्रैप है ये। यहाँ पर भी रख दिया दो, दिखता है कैसा काम आता है ये लोग, मतलब ये सारे ट्रैप्स बाद में कैसा काम आता है दिखता है। यार सारे पास डिप्रेस्ड क्यों हो रहा है? देखो ओवरफुल डिप्रेस्ड, इसका क्या लोचा चल रहा है भाई? हाई ग्रेड मेटल सप्लाईज दे दिया है,
स्ट्रेंज जूस वार्क स्पीड बढ़ने वाला है इससे तो, और इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाला है वार्क स्पीड। ओके ओके, हमें हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाईज चाहिए काफ़ी सारे। ओके, इजी से बहुत सिर्फ चीज़ें ठीक होने वाला है लोग रहने। हाई ग्रेड वाला हम लोग मैक्स बना देते हैं, एक बार में 25 बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जिनको भी चाहिए वो लगा दूंगा। वैसे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल किसको चाहिए, सबसे पहले इसको चाहिए, रॉबिन कुल को चाहिए, इसको दे देते हैं तो करके देना पड़ेगा, करता है ये वाला। मेडिकल सप्लाईज भी चाहिए इसको। ओके, हाई ग्रेड दे देते हैं। अरे अभी तो दिया, हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाईज नहीं ले रहा है, मेडिकल सप्लाईज देते हैं। ये सर पे क्यों मार रहा है, देखो अभी हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाईज भी दे रहा हूँ, नहीं ले रहा। ये पता नहीं मेरा कैरेक्टर अपने सर में मार रहा है भाई, क्या हो गया इसे, गजब ही सीन है भाई। ये तो नहीं ले रहा है, इसको इंजेक्शन कैसे दूं मैं, हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाई एड टू पार्टी व्यू डिटेल्स में तो नहीं हो रहा है। आई थिंक इसको फीड ही करना पड़ेगा मुझे। हाई ग्रेड मेडिकल सप्लाईज दे तो रहा हूँ, फिर ले क्यों नहीं रहा। ये खाना खिला दो क्या, क्या बात है, खाना भी नहीं खा रहा है। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, पेट करना पड़ेगा, पेट करते हैं। यार अपना कैरेक्टर ऐसे सर में क्यों हाथ फोड़ रहा है भाई, इसको फीड कर रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, इसको बॉक्स में रिटर्न करना पड़ेगा आई थिंक, तभी जाके ये ठीक होगा। रुको गाइस, दूसरे पोकेमॉन्स को देखता है, ठीक है ना। हमारे पास एक डम्प्ड है, वो डिप्रेस्ड पड़ा हुआ है, उसको जाके देते हैं ये सप्लाई। आई थिंक ये लेने वाला है, ये वाला इसको चाहिए। फिर बेटा रुक जा वीट करा दे इसे। हाँ इसको दिया भाई, ओके ठीक हो गया। जो लोग डिप्रेस्ड होने वाले हैं वो ये लेने वाला है, ठीक है ना। बेकन भी है एक, क्या बेकन के लिए मेरे पास मेडिकल सप्लाई अभी नहीं है ज़्यादा कहाँ, लेकिन थोड़ा सा है। लो ग्रेड वाला था ना, लो ग्रेड वाला था, ये वाला था, ये देता हूँ, ठीक है ना। बेकन का रुको गाइस, बेकन यहीं पे है, ओके खुल रहा है वहाँ पे। रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा यार, किधर जा रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। ओके बेकन का दे दिया मेडिकल सप्लाई, आई थिंक बेकन ठीक हो चुका है, बेकन भी ठीक हो गया। लेकिन रॉबिन क्विल कहाँ पे, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों, इसको भी दे रहा था बट देखो इस बार ये लेने वाला है। पर सर पे क्यों मार रहा है मेरा कैरेक्टर, आई डोंट नो। रॉबिन को लिए खाना नहीं चाहता है, अब सोने का भी टाइम हो चुका है, ये सोने नहीं जा रहा है, सारे सोने चले गए हैं यहाँ पर। ओके सो गुड मॉर्निंग हो चुका है और एक प्यारा सा सुबह, और अभी मैं जाने वाला हूँ, इनके साथ बहुत हो गया, इनको ठीक कराते करते भाई, ये लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, इनको तो बाद में ठीक कराऊंगा। और थोड़ा सा पाल स्पेयर बना देते हैं यहाँ पे, देखो अभी 8 बन रहा है ना, पाल मेटल इनपुट की कमी हो रहा है। मेरे पास कितने हो गए, 18 हो गए ना, 18 काफ़ी है भाई लेजेंडरी स्पेयर तो, ठीक है। हम लोग को पकड़ना है ऑस्ट्रेलियन को आज, ऑस्ट्रेलियन को साथ फाइट लेते रहते काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आधे घंटे से तो ऊपर लगने वाला है उसको पकड़ने में, ऐसा मुझे फील हो रहा है पता नहीं क्यों, बट जाके देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपने सारे चीज़ को रिपेयर कर लेता हूँ फटाफट। ओके सब हो चुका है रिपेयर। वो मेरा लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में लेवल अप भी होने वाला है। ओके 44 जैसे हो जाएगा, हम लोग अपने रैसल राइफल को भी अनलॉक करने वाला है। रैसल राइफल कहाँ पर गया, ये वाला, इसके लिए हमें 4 टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए। ये वाला गन क्रप करेंगे और इसको लेके जाएंगे हम लोग, उसके बाद हमें थोड़ा सा आसानी होगा लेजेंडरी पास को पकड़ने के लिए। पाल मेटल इनकोट बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है भाई सचमुच में, तब तक मैं रिफाइंड इनकोट दे देता हूँ थोड़ा सा और। 500 समथिंग दे दिया मैंने रिफाइंड इनकोट, जो भी रिफाइंड इनकोट है वैसे भाई, इनको कोई लेके क्यों नहीं जा रहा है, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा क्या। तो रिफाइंड इनकोट काफ़ी है भाई, 2000 हो चुका है रिफाइंड इनकोट, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए भाई, कैंसिल कर दे इसको। इधर एक चेस्ट बनाते भाई, उधर वो वाला चेस्ट काफ़ी दूर कर रहा है यार, देखो अभी मेरा वेट ज़्यादा हो गया। सबसे पहले तो इसको रखता हूँ अपने चेस्ट में, मुझे इलेक्ट्रिक फर्नेस और एक बनाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, फटाफट से बना देते और एक, उसी में रिफाइंड इनकोट हम लोग जल्दी जल्दी बना पाएंगे, मतलब सॉरी पाल मेटल इनकोट। कोल से बन सकता है, चारकोल से बन सकता है, कोल से बनाते हैं भाई, कोल से सही बनेगा। मैक्सिमम 500 बना देते एक बार में, 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कोल बचा के रखता है। चलो जब तक मैं फाइट लेके आऊँगा तब तक ये सब बन जाएगा। एनुबिस को नहीं ले जाएंगे हम लोग, ब्लास्मुथ को लेके जाएंगे, दो ब्लास्मुथ। ओके एस्ट्रागन भी है हमारे पास, एस्ट्रागन कुछ खास अटैक नहीं दे सकता भाई, चलते अभी अटैक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलते गए सभी। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी पॉइंट जमा कर लेते हैं, उसके बाद एसोल्ट राइफल को अनलॉक करेंगे, फिर फाइट लेंगे लेजेंडरी पोकेमॉन से। ओके लास्ट टाइम हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट्स यहाँ से काफी सारे मिले थे, इस बार हम टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लेने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब तीसरा नंबर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे। लास्ट टाइम सेकंड वाले में गए थे ना, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना सारा टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हम क्लो मिलता है, और मुझे अभी तक वैसे सेडोविक नहीं मिला भाई यहाँ से, पर इसका स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकता क्या। ओके यहाँ पे तो भूसी है भाई, भूसी को नहीं पकड़ेंगे अभी फिलहाल, इनको नहीं पकड़ना भाई। ओके एक पॉइंट मिल चुका है, एक मैनुअल मिला है ना, उसका अनलॉक करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा। उधर एक भूसी है, उनसे हम कोई फाइट नहीं लेंगे अभी फिलहाल तो। चलो
ट्रेनिंग मैनुअल मिला एक अटैक पेंडेंट, ये पहली बार मिला वैसे तो अटैक पेंडेंट, पता नहीं कुछ तो कम में आएगा ये। ये सब एक ही जगह पे मिलता है ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी मिला एक टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मैनुअल यहाँ पे मिल गया। ओके 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 मिला है, कुछ तो मिला भाई यहाँ पे नया पोकेमॉन। ये कौन सा शैडोविक मिला, अच्छा शैडोविक मिला भाई, काफी टाइम बाद शैडोविक मिला इसके साथ फाइट लेंगे। 43 लेवल का ये नया पोकेमॉन, इसको मैं काफी टाइम से पकड़ना चाह रहा था। चल बेटा चलो भाई दिखा दे अपना चल रहा टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिला तो नहीं बट शैडोविक मिल चुका है भाई, देखो अभी मरने वाला था सुजा को, मरने वाला था भाई। चलो गाइस अभी हम लोग अनलॉक करेंगे हमारे एसल राइफल को और उसके एमओ को भी अनलॉक करना पड़ेगा। वैसे ये एमओ है मेरे पास काफ़ी सारे, अगर अनलॉक नहीं करूँगा तो चलेगा क्या? आई डोंट थिंक, अगर अनलॉक कर नहीं करूँगा तो आई थिंक मैं इसको क्राफ्ट नहीं कर सकता, इसको अनलॉक करना जरूरी है। चलो अभी मेरे पास 3 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स बचा हुआ है। ओके फिलहाल फटाफट से हम लोग एयर एसल राइफल को बना लेते हैं जो ये वाले जगह से बन सकता है। और मेरे सारे पोकेमॉन्स पता नहीं यार थोड़ा सा डिप्रेस दिख रहा है। एसएल रेफेस का डैमेज 320 है यार, इसका अटैक पावर काफ़ी अच्छा है हैंड गन का। बट देखता हूँ मेरे पास कौन सा है पहले से, मेरे पास ये देखो ये सिंगल शॉट राइफल है मेरे पास, इसका अटैक है 1100। ये मस्कट गन नहीं चाहिए, मस्कट गन को हटाना पड़ेगा, दूसरा कुछ लाना पड़ेगा भाई। पहले तो ये एनबिस को बुलाता है भाई, वो एनबिस फटाफट आ जाए भाई काम कर दे भाई। ये भी हो चुका है बन के तैयार, अच्छा ये अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। ओके एसएल रेफेल बनने वाला है भाई, यही तो चाहिए था भाई, काफ़ी टाइम से मैं इसको लेने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आ चुका है असल राइफल। इसके पास एमो नहीं है, इसका एमो नहीं है मेरे पास ज़्यादा, इसका एमो भी बनाएंगे ये वाला एमो। इसके लिए गन पाउडर भी चाहिए, गन पाउडर भी नहीं है हमारे पास। ओके गन पाउडर बनाते हैं, उसके पहले हमें करना पड़ेगा सिंगल शॉट राइफल और एक सिंगल शॉट राइफल बनाता है ठीक है ना, ये वाला बनाते हैं, इसका डैमेज 1600 का है ठीक है। चलो गन पाउडर बनाते हैं फिर। ओके ये फटाफट बना रहा है, ये बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है भाई। ओहो रिफाइंड इनपुट बन चुका है यहाँ पे 32। ओके हमारे पास टेक्निकल मैनुअल भी है भाई, इससे क्या होने वाला है, थोड़ा सा स्टेमिना और चाहिए, स्टेमिना बढ़ा लेते हैं अपना 190 तक कर लिया, क्योंकि दौड़ने में थोड़ा आसानी होने वाला है, जल्दी जल्दी मैं दौड़ सकता हूँ। देखो गाइस अभी काफ़ी देर तक दौड़ सकता हूँ जल्दी जल्दी। इसका एमो बनाता है भाई, इसका गन पाउडर चाहिए उसके लिए। तो हैंड गन, हैंड गन इसका डैमेज 250, इसका डैमेज 437, ये भी बनाता है भाई, ये नहीं था मेरे पास। चलो सब कुछ बना दिया, मेगा ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए भाई, अभी इन सबको रख देंगे। अभी फिलहाल चाहिए सिंगल शॉट राइफल, उसके बाद और एक सिंगल शॉट राइफल, राइफल का एमो ढूंढते हैं। मेरे पास पहले से आई थिंक 50 के ऊपर राइफल एमो है पड़ा हुआ, यहाँ पे देखो 70 राइफल एमो, बोला था ना मेरे पास एमो है भाई, 70 राइफल एमो यहाँ पे मिला। वो राइफल एमो तो भाई काफ़ी ज़्यादा चाहिए, लगभग 300-400 चाहिए ठीक है ना, 300-400 ऐसा लगभग चाहिए। मैनुअल से रख देते हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री थोड़ा खाली करता है। ये क्रॉसबो का एमो कुछ काम में नहीं आ रहा भाई, क्रॉसबो एंड क्रॉसबो का एमो ये भी रख दूंगा, ये फालतू में मेरे बैग में जगह ले रहा है। ग्रैपलिंग गन इसको रख देता है, ये बाद में काम में आ सकता है जब बैग फुल हो जाएगा। और बाकी अटैक पेंडेंट इससे क्या होगा, राइज अटैक, मतलब इससे हमारा अटैक और थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ये नहीं चाहिए। सोने जा रहा है कि अभी रात हो चुका है, सोने चलते भाई। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के हम लोग सारे काम करने वाले हैं। ओके सो गुड मॉर्निंग, हो चुका है एक प्यारा सा सुबह। और एक यार गन पाउडर बनाना है, हट जा यार कितना टाइम ले रहा है बनाने में, कितना जल्दी देखो कितना जल्दी जल्दी बना रही है, मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर पाऊंगा अभी तो। देखो बहुत काफी तेज बना रहा है भाई, दो एनुबिस मिलकर बना रहा है ना, ये छोटा एनुबिस ये बड़ा एनुबिस, क्या बात है, बाप बेटा लग रहा है दोनों के, बना दिया क्या। चलो भाई कैंसिल करते हैं इसको, गन पाउडर एक पड़ा है, गन पाउडर चाहिए, गन पाउडर काफी सारे बनाएंगे, 160 बना दिए एक साथ ठीक है, क्योंकि मेरे पास 160 सल्फर है और भी सल्फर चाहिए उसके लिए। तो चलो पहले तो ये बनाओ भाई, वो काफी तेज बन रहा है भाई, कौन काम कर रहा है यहाँ पे, वो देखो भाई कहाँ कितने दूर से काम हो रहा है भाई, ब्लूटूथ कनेक्शन लगा हुआ है क्या, काफी दूर से 15 गन पाउडर बना दिया है भाई, क्या बात है। अच्छा भूख लगा है, खाना खा के दोबारा बनाएगा, क्या बात है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इनको एक्वायर करते हैं, कैंसिल करके दोबारा बनाने देता है ठीक है। चलो 145। ओके ये वाला गन भी आ चुका है हैंड गन, इसका डैमेज देखता भाई कैसा होता है। मेरे पास एमओ भी है हैंड गन का 74। ये हैंड गन एमओ कौन सा लेता है भाई, इसके लिए कौन सा एमओ चाहिए, एमओ हैंड गन एमओ 74, ये वाला हैंड गन एमओ चाहिए, ये वाला एमओ फालतू में हो जाए, 300 में पड़ा हुआ है भाई। राइफल एमओ 80। सिंगल शॉट राइफल एक ही रखता है भाई, सिंगल शॉट राइफल इसी को छोड़ता है, दो सेम गन जरूरत नहीं है भाई। और हम लोग एक काम कर सकते हैं, ग्रैपलिंग गन को रख सकते हैं, या फिर इसके जगह हम लोग सिंगल शॉट स्पेयर लॉन्चर भी रख सकते हैं, या फिर मैं और एक स्पेयर लॉन्चर है वो भी अभी तक क्राफ्ट नहीं किया मैंने,
स्कैटर स्पेयर लॉन्चर, इससे क्या होगा ना पोकेमंस के आगे मैं जैसे ही इस लॉन्चर से मारूंगा फास्ट फायर तो भाई उसको एक साथ में दो तीन लग जाएगा और उनमें से कोई ना कोई तो पकड़े आ जाएगा। तो ये भी एक बनाता है, इसके साथ क्या बनाऊं, शॉटगन भी बना सकते वैसे, डबल बैरल शॉटगन। छोड़ यार शॉटगन नहीं चाहिए, कोई अच्छा सा एक गन होगा तो काम चल जाएगा। इसको लू की नहीं लू वही सोच रहा हूँ मैं यार, इससे क्या होगा ना पल्स फायर भी थोड़ा वेस्ट होगा, इसको नहीं बनाएंगे भाई, बेकार ही है। मैं थोड़ा सा एसल राइफल एमो ले लेता हूँ और यहाँ पर इन लोगों ने बना दिया है गन पाउडर, 145 गन पाउडर रेडी, क्या बात है। ट्रेनिंग डमी बनाता है ठीक है ना, इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग चेक कर पाएंगे कौन सी गन का कैसा डैमेज है ठीक है। तो किधर बनाओ ओवरलैप से अनदर कैरेक्टर, यहाँ पे तो बन जा, कितना खाली जगह है, गजब ही है भाई, जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे बन नहीं रहा है, इतना सारा खाली जगह है, पता नहीं यहाँ पे क्यों बनने बन रहा है ये। ओके मेरे पास सब कुछ हो चुका है लगभग, सिंगल शॉट राइफल का एमो और थोड़ा ले लेते हैं, एक बार में बना लेते हैं, 80 एमो है वैसा अभी फिलहाल। हैंड गन का भी एमो है, असल्ट राइफल का भी एमो है, असल्ट राइफल का एमो और चाहिए यार, लगभग 100 के ऊपर चाहिए। एनोबिस किधर का, एनोबिस बना भाई, दो दो एनोबिस मिलकर बना रहा है अभी। ये एमो तो भाई एक ही बार में खत्म हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखो तो भाई दबा के रख रहा हूँ तो एक साथ में निकल रहा है भाई, एमो काफ़ी अच्छा चाहिए इसके लिए, तो थोड़ा हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। और मेरे पास अभी देखो मेरे पास भी 102 एमो है, बट एक एक रील में हमें 20 एमो मिलने वाला है। ओके ये एक एक रील है भाई ठीक है, अभी देखो 260 एमो मिलने वाला है मुझे लगभग 122, मतलब मेरे पास अभी एमो है 2000 के ऊपर, 122 × 220 मेरे पास अभी एमो है 2000 के ऊपर, तो एक एमो बहुत हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। पाल मेटल इनगोट नहीं है भाई, पाल मेटल इनगोट थोड़ा सा यहाँ पे क्राफ्ट करने देके जाता हूँ। और मेरे पास अभी लीजेंडरी स्पेयर है 26, पाल मेटल इनगोट और थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि ये चाहिए बाद में और भी ज़्यादा। एक बार में 182 ठीक है ना, उसके बाद आई थिंक नहीं चाहिए होगा, एक बार में 182 बनाने दे दिया। अभी हम लोग जा सकते हैं फर्स्ट लेन को पकड़ने, अभी जा सकते हैं, अभी बस देख लेते हैं हमारे पोकेमॉन टीम में, पाल टीम में कौन से पोकेमॉन्स है। एनुबिस है, एनुबिस को नहीं चाहिए भाई, एनुबिस फर्स्ट रन के आगे कुछ काम में नहीं आएगा मुझे पता है। सुजाकू को लेता है, सुजाकू अच्छा सा काम दे, 45 लेवल भी हो चुका है हमारा भाई, क्या बात है, हमारा लेवल भी ज़्यादा हो चुका है। सो हम लोग क्या कर सकते, देखते हैं, लेवल ज़्यादा हो चुका है ना 45, अच्छा 45 लेवल में तो मैंने वो कर लिया अपना असल राइफल। ओके मुझे लगा था और भी कुछ कर पाएंगे, आई थिंक ये एक शॉट भी मिल रहा है भाई, ये श्राउड से क्या करूँगा भाई, शॉट से इसका कुछ काम मुझे लग नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक मेडिसिन वर्क बेंच ये चाहिए भाई, ये लेते हैं, इसका कुछ काम होगा क्या, नहीं ये नहीं लेंगे। आयरन गेट, इलेक्ट्रिक कूलर, पम्प शॉट गन, इसको ले सकता हूँ, इसका डैमेज अच्छा खासा हो सकता है आई थिंक, पहले देख लेता हूँ यार, मैं अपना पोकेमॉन चेंज करना भूल चुका हूँ। डायनेसम लक्स ये एक अच्छा खासा काम है, दे सकता है, सुजाकू भी है, प्लेजमेंट भी है। हम लोग एक काम करते हैं, इन सब का ना स्किल्स एक बार चेक कर लेते हैं, कौन सी स्किल्स हैं इन सब के पास। प्लेजमेंट का सडल भी अनलॉक नहीं किया क्या, सडल भी अनलॉक करना पड़ेगा ठीक है। ये टेस्ट रेकन ठीक है, सूजा को देखता है भाई, प्लेस्टॉम ओके, ड्रैगन मीटियर और ये देते भाई, देखो इससे इसका 150 डैमेज होने वाला है, इसका 150 डैमेज होने वाला भाई, तो सबसे कम डैमेज वाला ये देता है फ्लेयर एरो, इसको चेंज करके हम ये देंगे ठीक है। ड्रैगन मीटियर देते हैं, इग्निस ब्रीथ ये चाहिए, 70 का डैमेज देता है ना। लाइटनिंग वाला दे दे क्या इसको पावर, लाइटनिंग से फर्स्ट लैंड का उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं होने वाला है। ड्रैगन ब्रीथ दे देते हैं, ड्रैगन ब्रीथ नहीं फायर टाइप है ना, फायर टाइप चाहिए भाई, फ्लेयर स्ट्रम ये भी नहीं चाहिए, लाइटनिंग से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता वैसे। ड्रैगन मीटियर दे दिया ठीक है ना इसको, डिग्निसम लस को देखते हैं कौन सा कुछ दे सकते हैं हम लोग, इसका ब्रीथ कम है, ड्रैकोनिक ब्रीथ 70 ठीक ही है ये, चलो ये सब तो नहीं होने वाला है, देखते हैं हम लोग फर्स्ट लेन को हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते हैं। फटाफट से चलते हैं फर्स्ट लेन की तरफ, इधर ही रहता है फर्स्ट लेन, अब आने वाला है मजा गेम के अंदर, आई थिंक मैं पकड़ ही लूंगा ऐसा मुझे लग रहा है, फुल ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है। वो क्यों लग रहा है पता है, एक काम करते हैं ना पहले सुजाकू को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, रुको गाइस, इसका मैंने जो स्किल्स अभी चेंज किया है ना वो नीचे एक मेमोरीज दिख रहा है, मेमोरीज टेस्ट इसके ऊपर देखते हैं कितने देर में ये मार पाता है मेमोरीज टेस्ट को। मार बेटा चल अपना अटैक स्टार्ट कर भाई, मैं तो ऊपर से दिखूंगा, वो देखो देखो देखो, ओ भाई साहब ये वाला अटैक काफ़ी सही लगा भाई सुजाकू के आगे, नहीं सुजाकू को ये मार रहा है भाई अभी सुजाकू को डैमेज नहीं देंगे क्योंकि अभी उसको फाइट भी लेना है ठीक है। मैं बस अटैक देख रहा था कैसा है इसका अटैक, देखो यार मेमोरीज इसका हेल्थ काफ़ी लो कर दिया उसने ठीक है, अटैक काफ़ी सही लगा मुझे, 150 का अटैक भाई साहब। फाइनली हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट लेन के आगे, और सबसे पहले तो मैं अजमत को छोड़ते हैं, एक बार को छोड़ते हैं, अबे भड़क गया, अबे गलत पोकेमॉन क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, जा ब्लास्ट, अरे भाई मेरा सील का लिया भाई, सील का लिया ब्लास्ट, जा भाई अपना अटैक दिखा भाई, फ्रीज कर दिया, बच के रहना पड़ेगा इससे, तो चल बेटा दिखा अपना जलवा, दिखा ब्लास्ट,
भाई 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 प्लीज कर दे, प्लीज कर दे। ब्लैस्मिथ अटैक नहीं दे पा रहा है, वो देखो उस तेरी एक ही अटैक में ब्लैस्मिथ ने, ब्लैस्मिथ तो उसने हेल्थ कम कर दिया भाई एक ही अटैक में। मार ब्लैस्मिथ मार, इसके अटैक से बचकर रहना पड़ेगा गाइस, इसके अटैक से बचकर रहना पड़ेगा वरना ये मुझे मार देगा। अगर ये मुझे मार देगा तो मैं फिर गया, बचकर रहना पड़ेगा भाई इससे। मेरा हेल्थ भी इसने डाउन कर दिया काफी ज्यादा, बहुत से अटैक दे रहा है ये वाला ब्लैस्मिथ तो। वो वाला ब्लैस्मिथ अटैक नहीं दे पा रहा था अच्छे से। ओ भाई मैंने अपने ब्लैस्मिथ के ऊपर इलेक्ट्रिक का भी स्किल्स दे दिया था यार, मेरा हेल्थ डाउन हो रहा है, मुझे बचकर रहना पड़ेगा इसके अटैक से। ये मुझे मार रहा है, मेरे पोकेमन को नहीं मार रहा है भाई साहब। थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर में अपना हेल्थ रिवाइव कर लेता भाई, वो मेरे पोकेमन से थोड़ी देर भीड़ ले भाई। ओ नो नो नो, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है भाई 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 भाई, मार देगा। सिंगल शॉट राइफल का डैमेज होता है। अरे यार अटक जा रहा हूँ, चल बेटा। ओ नो, ये वाला काफी इफेक्टिव अटैक है भाई, ये अटैक पहली बार देखा मैंने, जो डैमेज नहीं दे पा रहा अच्छे से, क्रिस्टल से देखता भाई। ओ भाई साहब फ्रीज कर दिया इसने मुझे, ब्लैस्मिथ को बचाना पड़ेगा, वो अच्छा खासा अटैक दे रहा है ब्लैस्मिथ। सुज़ाको को छोड़ता है, लेट से सुज़ाको क्या करता है। ओ भाई भाई भाई, सुज़ाको का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है अभी तक, इसका हेल्थ 11,000 हुआ है अभी तक तो। लुक कर सकते हैं, अरे मार दिया, और इसका अटैक बच के रहना पड़ेगा गाइस। दोबारा अटेम्प्ट करने वाले हैं हम लोग, मैंने देखा नहीं था, मैं अपने गन को रिलोड कर रहा था भाई, रिलोड करते करते उसने मार दिया। अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगा, सो के फिर सुबह चलेंगे ठीक है ना, फिर अपना हेल्थ भी थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मेरे पास मेटल हेलम को ना रिफाइंड मेटल हेलम बना लेता है, वो काम में आने वाला है। इसका देखो डिफेंस 50 है, अभी हमें ये बनाना है, इसका डिफेंस 100 है भाई, ये बनाता है। और वो एक्सन शॉट गन ये भी बनाता है, परमिशन शॉट गन इसको भी बनाता है भाई। वो पिस्टल कुछ काम में नहीं दे रहा है। चलो एमओ हो चुका है, एमओ अभी और नहीं चाहिए, एमओ बाद में बनाएंगे, एमओ अभी और नहीं चाहिए। मेरे मुझे चाहिए अभी ये वाला शॉट गन, चलो इसको बना लेते हैं भाई। शाम के टाइम में कहाँ से अटैक आ रहा है, अच्छा वो वाले बेस में अटैक आ रहा है शाम के टाइम में, वो देखो। अरे भाई साहब रैप्टायरो वगैरह सब अटैक करने आ रहे हैं, आने देते हैं, मेरे पास तो काफ़ी सारे पोकेमॉन से वो वाले, एस्ट्रागन भी है भाई, वो लोग देख लेंगे आराम से। ये क्या है, रिफाइंड इनकोड है। अच्छा इसी बेस में अटैक आ रहा है क्या, आई थिंक इसी बेस में अटैक आ रहा है भाई। इसको बनाने के लिए मुझे प्लैडियम फ्रेगमेंट चाहिए यार, पता नहीं फ्रेगमेंट क्यों नहीं है मेरे पास प्लैडियम का। एक भी तो नीचे से अटैक दे रहा है भाई इसका, कि सुज़ाको को छोड़ता है, देखो देखते भाई सुज़ाको कैसे अटैक देता है। मार सुज़ाको भाई, क्या कर रहा है। ओके रैप्टायरो को भी मार दिया एक ही अटैक में, क्या बात है। ये लोग इधर से ऊपर को कहाँ पे अटैक दे रहा था, पत्थर तोड़ के आने वाला था क्या, क्या पैलजम फ्रेगमेंट वो खत्म हो गया था भाई। लेकिन उसने काफ़ी सारा क्राफ्ट किया होगा, देखो 152 पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई लेके नहीं गया यहाँ से। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारा बनाया था बट अभी देखो 168 बनाने दे दिया मैंने वहाँ पे। यार ये सही है रिफाइंड मेटल हेलम, ये सही है भाई, इसको बनाते हैं। अपने एनोबिस कहाँ पे गया, ओके एनोबिस नीचे था, आ चुका है, ये तो चुटकी में बना दे रहा है भाई चीज़ें। चलो अभी देखो मेरा डिफेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इससे मेरा डिफेंस थोड़ा कम था, इससे ज़्यादा हो जाएगा 1045। अबे इससे भी तो 1045 हो रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा देर तक लास्ट करने वाला है, आई थिंक ऐसा कुछ सीन है, डोंट नो। देखता है, इसको छोड़ता भाई, इसको नहीं चाहिए। अब हम लोग अपने सारे चीज़ों को रिपेयर कर लेंगे। शॉट गन, ओके शॉट गन का भी डैमेज देखेंगे कैसा है। शॉट गन के लिए शॉट गन एमओ भी चाहिए ना, मेरे पास शॉट गन एमओ है, शॉट गन एमओ 8 है यहाँ पे। शॉट गन एमओ थोड़ा सा था, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा तो था, थोड़ा और मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। शॉट गन का डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, 20 क्राफ्ट कर लिया। ओके ओके 20 से मुझे 105 मिलने वाले, 5 एमओ मिलने वाले, एक पैकेट में 5 एमओ रहने वाला शॉट गन के। यहाँ पर कुछ एमओ था, ओके यहाँ पे असल ट्रैफल का एमओ पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ है क्या, शॉट गन ये वाला मिल गया। चलो सब कुछ रेडी। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे पास जो ब्लैस्मिथ है ना, मेरे पास दो दो ब्लैस्मिथ है, इसका लाइटनिंग वाला पावर वो वाले ब्लैस्मिथ पे भी डाल देता है ठीक है ना। इसके पास देखो इग्निस ब्रीथ का पावर नहीं चाहिए भाई, ओ इसके पास लाइटनिंग वाला पावर मैं नहीं दे सकता। चलो फाइनली दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, इस बार मैं पकड़ लूंगा उसको, उससे मुझे बच के रहना है, ज़्यादा पास में जा रहा हूँ तो वो मुझे मार दे रहा है आसानी से। ओके सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस दोबारा से फ्रॉस्ट लैंड को पकड़ने के लिए। आई थिंक ये कहीं पे छुप गया अभी, वो देखो नीचे ही है, मुझे लगा था ये छुप गया है। इसके आगे सबसे पहले हम लोग सुज़ाको के फाइट लेते हैं, उसके बाद ब्लैस्मिथ को छोड़ेंगे ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना शॉट गन से फाइट लेता हूँ भाई, देखा अपना सुज़ाको अटैक नहीं दे रहा ठीक है ना, काफ़ी डर गया सुज़ाको ऐसा लग रहा है मुझे। ओ भाई ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा सी, अरे भाई साहब जिसका डैमेज ज़्यादा नहीं दे रहा है ब्लैस्मिथ को छोड़ दिया। ओ नो 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 नो, पहले ही मुझे मार रहा है, पहले ही मुझे मार रहा है, ये क्या है भाई, बच के रहना पड़ेगा, मैं अपने असल रैपर निकाल दूँ। ओ भाई अरे भाई मैं तो बच गया था यार, कैसे काफ़ी दूर से अटैक दे रहा है ये भाई, बच गया, अभी मरने वाला था। अच्छा हुआ ब्लैस्मिथ उसके ऊपर अटैक दे रहा है, देखो वो मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, वो ब्लैस्मिथ के ऊपर ही फोकस कर रहा है भाई। ओ नो 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 नो, अटैक कर रहा है भाई, अटैक कर रहा है। अरे भाई साहब
यार इस पत्थर में अटक जाता हूँ यार बार यार। ब्लेस में तो अच्छा अटक दे रहा है, मैं ही बच नहीं पा रहा हूँ यार। मुझे बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो अब थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा फटाफट से। एक काम करता हूँ, अटैक पेंडेंट डिफेंस पेंडेंट थोड़ा पहन लेते हैं, उससे मेरा डिफेंस बढ़ जाएगा। ओके पहले तो ये रिपेयर कर लेते सारे। अच्छा अब रिपेयर नहीं हो पाएगा क्या? मेरे पास डिफेंस पेंडेंट तो था। ओके ये डिफेंस पेंडेंट ये काम में आने वाला है, थोड़ा डिफेंस ज़्यादा हो जाएगा भाई, या फिर अटैक ज़्यादा हो जाए। अटैक पेंडेंट इससे अटैक ज़्यादा हो जाएगा। ओके वेट हम लोग पहन लेते हैं यहाँ पे, अटैक पेंडेंट को पहन लेते हैं। रेजिस्टेंट ये नहीं चाहिए अभी। ओके चलो। अच्छा मेरे पास हीट रेजिस्टेंट दो हो चुका है, एक डिस्कार्ड कर देता भाई। फालतू पड़ा हुआ एक। मैं सोच रहा हूँ डिनोसम लॉस को नहीं लेके जाएंगे हम लोग। डिनोसम लक्स कुछ काम में नहीं आ रहा। उसके आगे हमें दूसरा कुछ पोकेमॉन चाहिए। दूसरा पोकेमॉन्स लाइक सैडोविक को ले जा सकते हैं। फॉस्टलैंड के आगे सैडोविक अच्छा खासा अटैक दे सकता है आई थिंक, पता नहीं ट्राई करके देखते हैं। इसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है, चलता है भाई सैडोविक को लेके। 43 लेवल है वैसे इसका लेवल अप कर देते हैं ना, 43-45 कर देते हैं। रुको गाइस अभी इसका लेवल अप करना पड़ेगा सैडोविक का। ट्रेनिंग मैनुअल एक्सेल आई थिंक ये चाहिए मुझे। एक्सेल इससे 45 एक बार में हो जाएगा। 44 तो हुआ होगा, इससे देखते हैं इससे कुछ काम बन जाएगा आई थिंक। ट्रेनिंग मैनुअल ए लगे वाला 45 तक होगा ठीक है। 36 बट अभी लेवल सिंक हो रहा है, 45 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसको भी छोड़ते हैं। सैडोविक का स्किल्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसका डिवाइन डिजेस्टर है, वैसे सैडोविक दिखने में प्यारा सा लगता है बट अब इसका सैडल भी अनलॉक करना पड़ेगा क्या? देखते कौन सा वाला सैडल मैं बना सकता हूँ। मोसंडा ग्रेनेड लॉन्चर तेरी गाइस, हम लोग मोसंडा लक्स को ले जा सकते हैं आई थिंक। रुको मैंने अच्छे से देखा नहीं है, या फिर जर्मुंटा डिग्निस को भी ले जा सकते हैं। जर्मुंटा डिग्निस को देखते हैं एक बार। मेरे पास जर्मुंटा डिग्निस हाई लेवल वाला नहीं है। यहाँ पर जो जर्मुंटा डिग्निस है इसका डिफेंस 300 है, इसको हम लोग लेवल अप कर सकते हैं। रैगनॉक भी ले जा सकते हैं बट इसका अटैक एंड डिफेंस उतना कुछ खास नहीं है। मोसंडा लक्स है मेरे पास 42 लेवल का, और मोसंडा ग्रेनेड लॉन्चर मैंने एक बार यूज़ किया था बट वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं था भाई, तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ, बेकार हो जाएगा। शैडोबुक ले चलता है, कुछ काम में आ जाए शैडोबुक। पता नहीं फर्स्ट लैंड के आगे अटैक कर पाएगा, कौवे जैसा तो लग रहा है भाई, काफ़ी छोटा सा पोकेमॉन। बॉडी दे दिया घोड़े जैसा और मुंह दे दिया भाई कौवे जैसा, गजबी बना दिया इसको। एस्ट्रेगन का डिफेंस देखो 681, इससे ज़्यादा इसका डिफेंस अच्छा है भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। चलो भाई इसी को लेके चलते हैं, मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा, ज़्यादा पास में चला जा रहा हूँ हर एक बार। ओके दोबारा से आ चुका है आई थिंक, इस बार पकड़ लूँगा मैं इसको, और इस बार इस पत्थर में नहीं अटकना है भाई, थोड़ा दूर दूर से इसके साथ फाइट लेना है। मैं थोड़ा खाली जगह में आ जाता हूँ, पहले तो लास्ट टाइम पत्थर में अटक गया था। इस बार सबसे पहले सैडोविक को छोड़ता है ठीक है ना, देख लेते हैं पहले सैडोविक का अटैक कैसा है। चल बेटा अपना जलवा निकालो, और फॉस्टलैंड ऊपर से अटैक करने वाला है क्या? फॉस्टलैंड कहाँ चला जा रहा है? चल बेटा आजा अटैक देने आजा। वो देखो सैडोविक अपना अटैक दे रहा है भाई। वो भाई क्या ही गजब अटैक दे रहा है, नाइस अटैक सैडोविक, नाइस अटैक। सैडोविक काफी डैमेज खा लेता भाई। भाई वो अटक गया क्या ऊपर? आई थिंक वो अटक गया भाई, वो देखो नीचे नहीं आ रहा है, अभी आया है। सैडोविक की हालत खराब कर दिया भाई एक अटैक में, अब देखो वो मेरे पास आ रहा है। इसका अटैक मुझे देखना पड़ेगा भाई कहाँ से अटैक। नो भाई साहब बच गया, अभी मार देता। ब्लास्मिथ को छोड़ता भाई, मजाक हो गया काफ़ी देर। ब्लास्मिथ जा भाई अपना अटैक दिखा भाई। ओह नो मार दिया मुझे मार दिया भाई। 27 यार इतनी दूर से अटैक कैसे मार देता है, मर गया भाई यार। इस बार मैं दौड़ भी नहीं सकता था, ये हमेशा मेरे पास आ जाता है यार कसम से। तो मेरे आर्मर ने भी डैमेज कर दिया भाई इसको। अभी फिलहाल गाइस हम लोग और पकड़ने नहीं जाएंगे, काफ़ी टाइम से मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब उसको किस तरीके से पकड़ा जाए ना उसका थोड़ा, या फिर मैं अपना सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सा और लेवल अप कर दूँ, उसके बाद मैं उसको पकड़ने जाऊँगा। वैसे उसका पकड़ना थोड़ा सा इजी तो है, मतलब लाइक ब्लास्मुथ उसको बहुत अच्छा खासा उसको डैमेज तो दे पा रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है, जिस वजह से मैं मर जा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम एस्ट्रेगन और ब्लास्मुथ को मैक्स करके ले जाऊँगा, और वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उससे हम लोग फॉस्टलैंड को काफ़ी आसानी से पकड़ भी पाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ एक जर्मुंटा डिग्निस को भी ले जाने के लिए, ये अच्छा खासा डैमेज दे सकता है जर्मुंटा डिग्निस ऑस्ट्रेलियन को। तो फिर पता नहीं, देखना पड़ेगा इसका भी अटैक कैसा है। अभी तक मैंने जर्मुंटा डिग्निस को इस्तेमाल नहीं किया है, जर्मुंटेट को किया था बट जर्मुंटेट का अटैक कुछ खास नहीं था। या फिर आप लोग बताना कौन से पोकेमॉन को मैं मैक्स करूं, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन को पकड़ने जाए, या फिर उसके बाद हम लोग जाने वाले जेट्रा ड्रैगन को भी पकड़ने,
तो फर्स्ट एलियन के साथ साथ जेस्टर ड्रैगन को भी पकड़ने के लिए कौन से पोकेमॉन को हम लोग मैक्स करना चाहिए ये मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन पर। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।